मेरे तमाम मेरी दरबंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है कि वो प्लीज निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सब लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई, तो अब तो आपको निकल कर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में, एवरी इलेक्शन रेडी भी थोड़ा नीचे कर लो यार, कैन नॉट बी द सेम एज व्हाट इट वाज 5 years ago. The challenges are different. The issues are different. And of course, this is a very important historical parliamentary election in our country. And the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019. देखिए इलेक्शन जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला हो, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। यू हैव टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली, वेदर इट्स अ म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद, असेंबली, पार्लियामेंट, इलेक्शन इज इलेक्शन। यू नो, यू डोंट हैव दिस कंफर्ट ऑफ इवन ब्लिंकिंग, सो यू हैव टेक योर एवरी अपोनेंट, वेदर इट इज X, Y, Z, whatever it is. And I know a card which we have done and which has always helped us in winning this seat. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we'll be successful and we'll win with the same majority.